सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी पर जाने से पहले आप सब से निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद। आज की कहानी नूह के जहाज के विषय में है कि नूह ने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा से उस जहाज को कैसे बनाया था और किस कारण से बनाया। जहाज के विषय में हमें उत्पत्ति की किताब के 6 अध्याय में संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है, जहां पर परमेश्वर ने नूह नाम के एक व्यक्ति को जहाज बनाने की आज्ञा दी थी। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने की आज्ञा क्यों दी थी। उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक उन सब बातों का उल्लेख आता है जहाँ सृष्टिकर्ता ने हर प्रकार से आशीष प्रदान की थी, और इसके साथ ये भी बताया कि पृथ्वी पर पाप कैसे आया था। तब जैसे जैसे इंसानों की आबादी बढ़ती गई, पाप और बुराई भी तेजी से फैलती गई। उस वक्त एक नबी आया जिसका नाम हनोक था। वह शायद अपने जमाने में यहोवा परमेश्वर का अकेला ही उपासक था। उसने लोगों को चेतावनी दी कि परमेश्वर जल्द ही दुष्टों का नामो निशान मिटाने वाला है, मगर लोग दुष्टता करने से बाज नहीं आए। हालात बद से बदतर हो गए। परमेश्वर के कुछ स्वर्ग दूत बागी बन गए थे, जैसा कि 6 अध्याय के 1 में वचन में लिखा है। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब परमेश्वर ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुई, वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। ये ऐसे स्वर्ग दूत थे जिन्होंने परमेश्वर की सेवा करनी छोड़ दी थी और इंसानी शरीर धारण कर धरती पर आ गए, और अपनी हवस पूरी करने के लिए उन्होंने स्त्रियों से शादी की। स्वर्ग दूतों का इस तरह से संबंध बनाना परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ था, क्योंकि उन्हें इसके लिए नहीं बनाया गया था। इसके बाद उनकी जो संतानें हुई, जो बड़े होकर नेफिलीम बनी, नेफिलीम को दानव भी कहा जाता है। ये लोग आम इंसानों से कहीं ज्यादा बड़े और ताकतवर थे। वे लोगों को डराते धमकाते थे। इसकी वजह से पूरी दुनिया में मार धाड़ और खून खराबा दिन ब दिन बढ़ता चला गया। चारों ओर पाप ही पाप फैला था। ये सब देखकर यहोवा परमेश्वर को बहुत दुख हुआ। वचन 5 में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को, जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। हनोक के बाद एक और व्यक्ति था जो उस जमाने में दूसरों से एकदम अलग था। उसका नाम नूह था। वह और उसका परिवार वही काम करता जो परमेश्वर की नजरों में सही था, जैसा कि वचन 8 में लिखा है। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। वह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। चारों ओर पाप ही पाप था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए परमेश्वर ने पापमय पृथ्वी पर लोगों को नाश करने के लिए जल प्रलय लेकर आने की ठानी। तो उसने ये भी तय किया कि वह नूह व उसके परिवार और कुछ जानवरों को भी बचाएगा। लेकिन कैसे, इतने बड़े जल प्रलय या पानी की बाढ़ से बचने के लिए परमेश्वर ने नूह को एक बड़ा जहाज बनाने की आज्ञा दी। नूह की एक बीवी और 3 बेटे थे। उसके बेटों के नाम शेम, हाम और येपेत थे। नूह के 3 बेटों की 1-1 बीवी थी। कुल मिलाकर नूह के परिवार में 8 लोग थे, जैसा कि वचन 14 में लिखा है। परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, और इस ढंग से उसको बनाना कि जहाज की लंबाई 300 हाथ
चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग में एक द्वार रखना और जहाज में पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना, और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना, एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से दो दो तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। वह भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने ऐसा ही किया, और नूह ने परमेश्वर पर विश्वास करके पानी पर तैरने वाला एक बहुत बड़ा जहाज बनाने की तैयारी करने लगा, जिसको तैयार करने की सारी पैमाइश परमेश्वर ने नूह को बताई थी। नूह और उसके बेटों ने परमेश्वर की बात को मानकर जहाज को बनाने के काम में जुट गए, मगर दूसरे लोग उन पर हंसने लगे। उन लोगों ने बुरे कामों को करना बंद नहीं किया। जब नूह ने उन्हें बताया कि परमेश्वर सारी धरती पर बाढ़ लाकर सबको खत्म करने जा रहा है, तो किसी ने भी नूह की बात सच नहीं मानी। नूह और उसके परिवार को एक बहुत बड़ा जहाज बनाना था, इसलिए इस काम में उन्हें कई साल लग गए। बाइबल निश्चित रूप से ये नहीं बताती है कि नूह को जहाज का निर्माण करने में कितना अधिक समय लगा था। जब नूह का पहली बार उल्लेख उत्पत्ति 5:32 में किया गया है, तब वह 500 वर्ष की आयु का मिलता है। जब नूह जहाज में प्रवेश करता है, तब वह 500 वर्ष की आयु का है। जहाज के निर्माण में जितना अधिक समय व्यतीत हुआ, वह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि उत्पत्ति 5:32 में और उस समय के मध्य में कितना अधिक समय व्यतीत हो गया है। जब परमेश्वर ने नूह को जहाज का निर्माण करने का आदेश दिया था, अधिक से अधिक 100 वर्ष का समय व्यतीत हुआ होगा, तब हम कह सकते हैं जहाज को बनाने में 100 वर्ष के लगभग का समय लग सकता है। परमेश्वर ने नूह से गोपेर वृक्ष की लकड़ी को ही प्रयोग में लाने को क्यों कहा था? गोपेर वृक्ष को सनोवा वृक्ष भी कहा जाता है। इस वृक्ष की लकड़ी जलरोधी होती है और यह ज्यादा टिकाऊ और पानी में नहीं गलती है। जब परमेश्वर ने नूह से कहा था, तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, तो नूह ने उसी प्रकार से किया। जहाज का निर्माण इस माप के अनुसार किया जाना था। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। प्राचीन संसार में हाथ का कोई माप नहीं होता था, फिर भी लोग हाथ की कोहनी से लेकर हाथ की एक उंगली तक ही माप को मानते थे। आमतौर पर इसकी लंबाई 18 इंच तक मानी जाती है। अगर ऐसा हो तो जहाज की लंबाई लगभग 450 फुट, चौड़ाई 75 फुट और ऊंचाई लगभग 45 फुट की रही होगी। स्पष्ट रूप से जहाज आयताकार था और एक नौक या नाव की तरह ही बना था, जो पानी पर तैरने के लिए स्टीक था। जहाज के ऊपरी छोर के बीच से एक हाथ के नीचे रोशनी के लिए छोटा दरवाजा को बनाया गया था, और नूह ने उस जहाज में छोटे छोटे कमरा नुमा कोठरियां भी बनाई, जहां हर प्रकार के जीव जंतु रखे जाते। आज्ञानुसार जहाज के अंदर व बाहर राल लगाई गई। राल एक तरल द्रव्य पदार्थ होता है, जिसे कोपेर भी कहा जाता है, जो कि वृक्षों के तनों से गोंद नुमा रूप में प्राप्त होता है। ये भी जल रोधी होता है। नूह गोपेर वृक्ष को काटता, फिर उसमें से फट्टे, शहतीर और कड़ी निकालता था। लकड़ी पर बैठा अपनी कमर सीधी करता है, कुछ पल रुककर आराम करता। नूह बैठकर उस जहाज पर नजर दौड़ाता है। वह देखता उसके बेटे कैसे जहाज के अलग अलग हिस्से बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। उसके बेटे ही नहीं, बल्कि उसकी प्यारी पत्नी और उसकी बहुएं भी सब कई सालों से उसके साथ मिलकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने काफी काम निपटा लिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। नूह और उसके परिवार के लोगों ने जहाज को बनाने में बहुत मेहनत की, और इसके साथ साथ नूह ने संसार के लोगों को भी परमेश्वर का प्रचार किया, परंतु उस संसार के लोगों ने नूह की बातों पर कोई विश्वास नहीं किया। परंतु नूह तो निरंतर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपना कार्य करता रहा।
आखिरकार नूह और उसके परिवार की मेहनत रंग लेकर आई, और कई वर्षों के बाद उन्होंने जैसा परमेश्वर ने कहा था उसी तरीके से लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के अनुसार एक बहुत बड़ा विशाल जहाज बनाकर तैयार कर दिया। आखिर में जब जहाज बनकर तैयार हो गया तो परमेश्वर ने नूह से कहा था कि वह कुछ जानवरों में से दो दो यानी एक नर और एक मादा को जहाज के अंदर ले जाए और बाकी जानवरों में से साथ साथ ले जाए। परमेश्वर की यह इच्छा प्राणी जगत को भी बचाने की थी। परमेश्वर ने नूह को सब किस्म की चिड़ियों को भी जहाज के अंदर ले जाने को कहा। परमेश्वर ने जैसा कहा था नूह ने ठीक वैसा ही किया। ये सब करने के बाद नूह और उसका परिवार भी जहाज के अंदर चला गया। फिर परमेश्वर ने जहाज का दरवाजा बंद कर दिया। अब नूह और उसका परिवार जहाज के अंदर इंतजार करने लगा कि कब बाढ़ आएगी। मगर आसपास के लोगों को लगता है कि नूह और उसके परिवार के लोग बेवकूफ हैं। लोग ये सोचकर पहले से ज्यादा हंसने लगते हैं कि धरती पर कोई जलप्रलय आने वाला है। लेकिन 7:10 के अनुसार 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही और पृथ्वी पर 40 दिन तक जल प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेले पशु और सब मनुष्य मारे गए जो स्थल पर थे। उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे। नूह जिस विपत्ति की चेतावनी देता आया था वह उन्हें एकदम बेतुका लगा था। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह आदमी इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अपनी और अपने परिवार की सारी जिंदगी इस काम में बर्बाद कर रहा है। लेकिन नूह के परमेश्वर यहोवा ने उसे हरगिज बेवकूफ नहीं समझा। आज मसीही परिवार नूह और उसके परिवार से बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे नूह और उसके परिवार ने कभी हार नहीं मानी, वे जहाज बनाने में लगे रहे। इसके बावजूद कि लोगों का मानना था कि यह काम करना बेकार या मूर्खता है, आज मसीही परिवार नूह और उसके परिवार के विश्वास से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम भी ऐसे वक्त में जी रहे हैं जो बाइबल के मुताबिक इस दुष्ट दुनिया के अंतिम दिन है। यीशु ने कहा था कि हमारा जमाना नूह के जमाने जैसा होगा। इसलिए जब लोग परमेश्वर के राज के संदेश पर ध्यान नहीं देते, हमारा मजाक उड़ाते, यहाँ तक कि हमें सताते हैं, तो हमें नूह को याद करना चाहिए। ऐसी चुनौतियों का सामना करने में हम पहले नहीं हैं। धन्यवाद। हालेलुया। सबको जय मसीह की।